बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये समर 2010 के पेपर 12 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें ये देखें, ये कह रहे हैं कि फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + ax² / 5 इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x। असेंडिंग पावर्स ऑफ x का मकसद होता है कि हमेशा x इधर हो तो फिर आप x का बड़ा पावर इधर हो तो आप इसी तरह फिर असेंडिंग पावर्स आते हैं। तो ठीक है, इसी तरह करेंगे इसको और थ्री टर्म्स मैन्यूम करेंगे। बाद में दूसरा क्वेश्चन बाद में देखता हूँ, फर्स्ट पार्ट ये कर देखिए। आपको ये पता होना चाहिए कि x + y होल पावर n बराबर होता है x^(n c1) (x^(n-1y) + (n c2) (x^(n-2y²) + (n c3) (x^(n-3y³) and so on and so forth। तो अब इसमें देखिए 1 + ax² / 5 है तो इसको ऐसे करेंगे 1 + ax² / 5 फर्स्ट थ्री टर्म्स चाहिए तो यह जाएगा 1 + 5 + 5c1 (1^4) (ax) + 5c2 (1^3) और ax² बस फर्स्ट थ्री टर्म्स चाहिए, ज्यादा हमें चाहिए नहीं। तो ये 1^5 तो 1 ही होगा प्लस 5c1 5 होता है, 1^4 तो 1 तो यह आ जाएगा 5ax प्लस 5c2 कैलकुलेटर से देखें तो ये 10 आता है, ये होगा 10 (1³) तो 1 होगा और ये हो जाएगा a² (x²) तो ये आंसर आ गया फर्स्ट थ्री टर्म्स। आगे प्लस लगा दें या ना लगाएं, ये फर्स्ट थ्री टर्म्स कहा है इसने 1 + 5ax + 10a² (x²). फिर सेकंड पार्ट इसका देखें, ये कह रहा है गिवन दैट देयर इज नो टर्म इन x इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 - 2x (1 + ax²) फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट a। वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट a मैन्यूम करें, देखें अब मैं ये करूंगा 1 - 2x और (1 + ax²) तो ये आ जाएगा 1 - 2x (1 + ax²) आ जाएगा 1, वही ये 1 है और प्लस ये 5ax और प्लस 10a² (x²) एक्सपेंड कर चुके हैं हम। अच्छा, अब आप इसमें देखें, मुझे ये चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x चाहिए, क्योंकि ये कहता है देर इज नो टर्म इन x, तो मैं कोफिशिएंट ऑफ x लिखूं, कोफिशिएंट ऑफ x उसको 0 की इक्वेट करूंगा। देखिए 1 किसको मल्टीप्लाई करेंगे, x आए वो होगा 5ax, तो x तो कोफिशिएंट है बाकी प्लस के 5 है। -2x किसको मल्टीप्लाई करेंगे, x आए सब इसको -1 को कर दीजिएगा -2, तो ये आ जाएगा अब 5 - 2 = 0 के है तो हमारा 5a आ जाएगा 2 के आ गया। अच्छा, तो a आ जाएगा 2/5 के, तो 2/5 का मतलब a आ जाएगा 0.4 के या 2/5 के रहने दें। अच्छा, उसके बाद थर्ड पार्ट है इसका, देखें थर्ड पार्ट ये कह रहा है फॉर दिस वैल्यू ऑफ a फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x² इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। अब देखें कोफिशिएंट ऑफ x² फिर आप ये देखें इसी में यानी इसी में हमें कोफिशिएंट ऑफ x² चाहिए 1 - 2x, तो मैं थर्ड में ये लिखूंगा, थर्ड ये है 1 - 2x (1 + 5ax + 10a²) तो अब इसमें से हम वैल्यूज पुट करेंगे x² के, तो कोफिशिएंट ऑफ x² मैं देखूंगा कौन सा आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई करेगा इसको तो x² आएगा, तो यह आ जाएगा एक होगा 10a² और x² ये आ जाएगा दूसरा -10a, तो 10a² - 10a कोफिशिएंट है। अब a की वैल्यू 2/5, तो यह आ जाएगा 10 (2/5)² - 10 (a) की वैल्यू है 2/5, तो यह आ जाएगा 2/5² आ जाएगा 4/25, तो ये 10 (4/25) माइनस ये 5 + 2 = 10 आ जाएगा -4। अब 5 का इसके ऊपर 5 टाइम्स इसके ऊपर 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 8/5 - 4/1 8/5 - 4/1 एलसीएम लेने 4 एलसीएम ये आ जाएगा 8 और कितना आ जाएगा 4/25 - 10 (2/25) तो ये आ जाता है 5 * 5 = 8 (8/5 - 1) तो ये आ जाएगा 8 और माइनस के
किया जाएगा 28 माइनस 20 अपॉन 5, तो 8 बिल्कुल सही किया, 8 माइनस 20 अपॉन 5 हो जाएगा माइनस 12 अपॉन 5 के।